नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल बात नेशन की में। आज शुक्रवार है और हर बार की तरह आज हम लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म का रिव्यू जो सिनेमा घरों में रिलीज हुई है और आपको बेसब्री से इस फिल्म का अपना इंतजार था। कई बेहतरीन कंटेंट इस फिल्म में है और कई चीज़ें पहली बार इस फिल्म में हुई हैं, तो आइए जानते हैं फ्राइडे रिव्यू में हम आज रिलीज हुई फिल्म फाइटर का रिव्यू। तो पिछले साल की बात है, तारीख थी 25 जनवरी, यही डायरेक्टर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ आनंद। इन सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान के साथ मिलकर पूरा मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौटाने वाले ये मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखेरने वाले हैं, ये जानने की बेहद जो उत्सुकता आप सभी लोगों को है, इस और मुझे भी है भैया। इसलिए ही तो सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में उठ के, कोहरा बहुत था, कोहरे को नज़रअंदाज करते हुए, कड़ाके की ठंड को चीरते हुए मैं थिएटर जा पहुँचा। थिएटर जाने के बाद टिकट लिया और पहले शो में फाइटर्स पूरी देख डाली। यहाँ ठंड पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन मेरे फिल्म देखने के नेक इरादे पर नहीं भैया, क्योंकि मुझे आपके सामने ये बेहतर रिव्यू लेकर आना था और आप सबको बताना था कि फिल्म कैसी है। तो फिल्म के बारे में कहें तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की ये पूरी मूवी पैसा वसूल है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कही, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये कहते हुए ऋतिक रोशन ने एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। अब इस फिल्म के बारे में आइए बात करते हैं डिटेल से कि क्या इस फिल्म की कहानी है और क्या क्या इस फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग है और बाकी सब क्या है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहाँ पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैश भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने में जुट गया है। इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है अजहर अख्तर के कंधों पर, जिसे गोला बारूद बनाने की बेहतर समझ होती है। इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन है। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी होती है रॉकी यानी अपने अनिल कपूर की टीम के पास, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाला शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉयज सरताज गिल यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबेराय और मीनल राठौर यानी दीपिका पादुकोण शामिल हैं। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे जो ये सब लोग हैं ये सुखोई पायलट हैं। देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, तो ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जो फाइटर है उसे देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ेगा और टिकट लेके मूवी देखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया था वो पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया। आमतौर पर जब भी हिंदी फिल्मों में फाइटर प्लेन दिखाए जाते हैं तो ज्यादातर पायलट एक्सप्रेशन और जेट का एक्शन मेल नहीं खाता, ऐसे सीन से रिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि भैया हो क्या रहा है, कहाँ फाइट, कहाँ अपना जो पायलट है वो बैठा है, कहाँ प्लेन उड़ रहा है। कंगना रनौत की तेजस में भी ये बात आपको साफ दिखाई दी अपना दी थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने हमसे बॉलीवुड को टक्कर देने वाले जो एक्शन सीन है इस फिल्म में दिखाए हैं। इसी तरह का कुर्सी से जोड़कर रखने वाला जो युद्ध है अब तक हमने तो हिंदी सिनेमा में नहीं देखा। युद्ध वाली फिल्मों में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में आपको भटकाव जरूर महसूस होगा कि भैया चले जाएं यहाँ, लेकिन इस फिल्म में इतने बेहतरीन एक्शन सीन है और फाइटर्स और पायलट का इतना बेहतरीन कोलोबरेशन दिखाया गया है कि आप चाह कर भी सीट से नहीं उठ पाएंगे। अब डायरेक्शन और राइटिंग की बात करते हैं तो भैया पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी थी उसका जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में अपना लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया, ठीक है, मतलब एक्शन के साथ साथ लॉजिक इस फिल्म में दिखाया गया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं होने देती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन चिप को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म की कहानी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस बेमिसाल डायलॉग बाजी में रोमांस का स्वाद अनुसार हल्का इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉर हो या बैंग बैंग हो या फिर फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदारों को पेश करते हैं, और जब सामने ऋतिक जैसा स्टाइलिश एक्टर हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की तो कोई कमी होने ही नहीं वाली। अब एक्शन की बात करते हैं तो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फाइटर पर टॉप गन मतलब आरोप बहुत लगे इस फिल्म पर, कॉन्स्पिरेसी में रही। पहले तो दीपिका पादुकोण जी नाराज होकर बैठ गई डायरेक्टर से कि साहब मुझे तवज्जो नहीं दी, और ऋतिक रोशन को ज़्यादा इसमें तवज्जो मिली। अब बाद में क्या कॉन्स्पिरेसी हुई, बाद में
जो है जो फिल्म के टॉप एक फिल्म थी टॉप गन, उसने अपनी स्टोरी कॉपी करने का इल्जाम फाइटर के टीम पर लगा दिया। लेकिन फिल्म देखने के बाद ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। याद है पठान में पैराशूट की जगह जब अजीब से पेपर रॉकेट जैसे देखने वाली मशीन में जॉन अब्राहम और शाहरुख खान की लड़ाई, जिसके लिए सिद्धार्थ आनंद को खूब ट्रॉल किया गया था, ये गलती फिलहाल इस फिल्म में नहीं दिखाई दी है। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का इस्तेमाल पूरे लॉजिक के साथ किया है और फाइटर प्लेन के एक्शन सीन में जिस तरह से सुखोई प्लेन में बैठी पेटी यानी ऋतिक रोशन प्लेन को आसमान में उल्टा करते हैं और 90 डिग्री में उड़ाकर उसमें से फायरिंग करते हैं ना, तब 40% की ऑक्यूपेंसी में थिएटर तालियों से गूंज उठता है। इस एक्शन सीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये फाइटर फेक नहीं लगते और इसका श्रेय डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर्स को भी जाता है। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है, जाहिर सी बात है कहा पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। पेटी की दोस्ती, उनकी दुश्मनी, टीम में होकर भी सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उनकी बेबाकी और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जो पूरा अभिनय है इसमें दिखाया है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक रोशन हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जितनी सफाई से ऋतिक फाइट सीन करते हैं उतनी ही सफाई से वो एक मेंटर की समझ या अपने प्यार से बिछड़ने का गम भी हमारे सामने पेश करते हैं। मीनल राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण पूरी तरह से न्याय देने का काम करती हैं। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूरी स्क्रीन स्पेस दी है, लेकिन इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक ऐसी पायलट का है जो हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करती है। यही वजह है कि उनके किरदार को ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं दिया गया है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे फिल्म में इस किरदार जो दीपिका पादुकोण का मिनी का किरदार है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा बिखेरने वाली रूबीना से फाइटर की मिनी थोड़ी कम प्रभावी लगती है। अनिल कपूर की बात करें तो अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है, अच्छा काम किया है उन्होंने। करण सिंह ग्रोवर फिर एक बार दिल मिल गए के अरमान मलिक की याद दिलाते हैं। अक्षय ओबेरॉय के साथ बाकी किरदारों ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले शारिब हाशमी हमें सरप्राइज कर देते हैं। अजहर अख्तर का जो किरदार है, जो मैंने कहानी के शुरू में बताया था, जो जैश का एक आतंकवादी है, उसका किरदार ऋषभ सहानी ने निभाया है। अंग्रेजी में ऋषभ के सरनेम की स्पेलिंग की तरह उन्होंने निभाया हुआ किरदार भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर भी उनके खतरनाक इरादे हमें फिल्म देखते हुए बेचैन करते हैं और यही ऋषभ के एक्टिंग की जीत है। उनका जो रोल मिला है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, वो फ्रेशनेस उनके किरदार में दिखती है लेकिन उन रोल से बोल्डनेस आ जाती है। VFX और तकनीक्स की बात करें फिल्म की, तो VFX के बिना जो पूरा फाइटर का एक्शन है वो अधूरा है। इस कमाल के VFX का श्रेय जाता है प्राइम फोकस स्टूडियो को। मुंबई के स्टूडियो में बैठकर उन्होंने हॉलीवुड का पूरा एक्शन डिजाइन कर दिया है और ये आजकल हो भी गया है। बॉलीवुड की फिल्मों में आपको पूरा हॉलीवुड का जो एक्शन है वो ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस भी हैं। फिल्म के गाने अच्छे हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक विनर है। वंदे मातरम गाने का बहुत ही खूबसूरती से पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है और आपको 26 जनवरी के इस देशभक्ति में माहौल में आपको ये गाना उत्प्रेरित कर देगा और आप अपनी सीटों से उठने पर मजबूर हो जाएंगे। कई बार फिल्म में राष्ट्रगान बजाया जाता है और थिएटर में लोग मूड के हिसाब से कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं। ठीक है भैया, आपसे भी अनुरोध है जब बजे तो खड़े हो जाना। बाकी जो कभी इग्नोर करते हो सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न खाने में का आनंद लेते हैं ना, जो उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ, देखने में वो बड़ा अटपटा सा लगता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म में बेहतरीन एरियल शॉट का इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर वैली में फिल्माया गया ऋतिक का जो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर तिरंगा फहराने वाला जो सीन है ना भाई, अल्टीमेट है, मजा आ जाएगा आपको। अब भैया पूरी जो एक कथा बाँचने के बाद सारांश ये निकलता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऋतिक रोशन की ये जो फिल्म है किसी विजुअल ट्रीट से कम तो है ही नहीं। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म कुर्सी से बांधे रखती है आपको। पावर बैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से ओतप्रोत डायलॉग के लिए फिल्म ये आप जरूर देखें और इस बार कहानी में लॉजिक भी है तो देखना लाजमी है। बाकी देशभक्ति का माहौल है, 26 जनवरी कल है तो भैया टाल ठोक के अभी से टिकट बुक करा लो, या तो आज शाम की या कल सुबह की, और देख डालो फिल्म पहले मुहूर्त में। जबरदस्त आपको मजा आने वाला है क्योंकि देशभक्ति की फिल्म है और ऋतिक रोशन और फाइटिंग सीन्स लॉजिक के साथ हैं और डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, एक एक किरदार इसमें जान फूंकने वाला है। तो भैया ये पूरा रिव्यू फिल्म फाइटर का था जो भैया हमने कड़ाके की सर्दी में फिल्म देख के आपके सामने लेके आए हैं। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो भैया दिल ठोक के लाइक भेज दीजिएगा और इस
पूरे रिव्यू के बारे में आपका क्या कहना है उसमें कमेंट बॉक्स, भैया कमेंट जरूर अपना किया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के बेहतरीन रिव्यू आपको मतलब मिलते रहें। इससे पहले भी मैं कई फिल्मों के रिव्यू कर चुका हूँ, उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे मैरी क्रिसमस हो, हनुमान हो या गुंटूर कारम हो, सारी फिल्मों के रिव्यू नीचे उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डाल दूंगा। बाकी बॉलीवुड और सितारों से जुड़ी बेहतरीन खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आज ही, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इन पूरी न्यूज़ का नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस तरह से बेहतरीन मूवी देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।